हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में एक महिला के बाल काटने के बाद उसका मुंह काला कर दिया गया। इस पूरी घटना को महिला के ही ससुराल वालों ने अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी ने भी ससुराल के लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका। कुछ स्थानीय लोगों ने भी ससुराल वालों का इस घटना में साथ दिया। हालांकि अभी तक यहां स्पष्ट नहीं है कि ससुराल वालों ने ऐसा क्यों किया, न ही पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मामले में चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। इससे पहले प्रदेश में इस तरह के जघन्य अपराध की खबर सामने आने से सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। सेब इंपोर्ट ड्यूटी पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी का मामला आजकल हिमाचल की सियासी फिजाओं में खूब गूंज रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सेब की इंपोर्टेंट ड्यूटी को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पार्टी पर पलटवार कर रही है। भाजपा की तरफ से आज विधायक बलबीर वर्मा और चेतन बरागटा सामने आए। चेतन बरागटा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव सचिव सहित हिमाचल कांग्रेस पार्टी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर झूठ फैलाने का काम कर रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है, केंद्र ने सेब पर किसी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र बरागटा के कहने पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया था। WTO के नियमों के तहत अब सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। नाले पर सेब बहाने को लेकर लगाए गए 1,00,000 रुपये के जुर्माने पर उन्होंने बताया कि यदि सरकार जुर्माना वापस नहीं करती है तो भाजपा 1-1 रुपया एकत्रित कर जुर्माना देगी। आपदा के बीच CM सुक्खू ने पेश की मिसाल, अपने सभी निजी बैंक खाते से दान की 51,00,000 रुपये की राशि। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से उबर रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने तीनों निजी खाते से 51,00,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष 2023 में दान कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को ये चेक दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के इस वक्त जब छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़कर आपदा राहत कोष में दान दे रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने भी सोचा कि वे भी हिमाचल प्रदेश में आपदा से उबर रहे प्रदेश की मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने अपने तीनों खाते देखने के बाद ये राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार के दौरान भी उन्होंने कोरोना काल में अपने में वेतन दान दिया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू, CM, हिमाचल प्रदेश।